जी वेलकम बैक ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया था कि बात करेंगे आज हमारा मौजू होगा सीरत सैदना उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताली के हवाले से जो रिफ़ॉर्म्स लेके वो आए जो पूरी दुनिया में जिस तरह से उनकी रिफ़ॉर्म्स मानी जाती हैं पढ़ी जाती हैं जिन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है उनकी शख्सियत क्या थी और हमें दीन के हवाले से जो रहनमाई मिलती रही और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी इस पर गुफगू करेंगे मेरे साथ दो दोजि मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करवाता चलूँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथ राना शफी ख़ान पसूरी साहब आलमदीन है राना साहब वेरी वॉम वेलकम असल वैसे हैं सर आप खैरियत से हैं आपकी दुआएँ जजाकल्ला जजाकल्ला इनके साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर तयमी साहब जो कि आलमदीन हैं मुन्नफ़ हैं उस्ताद भी हैं इनको भी हम वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी वाईक अल्लम वरह सर हमारे साथ चूँकि स्टूडियोस में मौजूद है राना साहब तो गफ्तु का आगाज़ यहाँ से करते हैं फिर मैं यकीनन आपको भी शामिल है गुफगू करूँगा राना साहब जो हम गुफ्तु आज करेंगे सैदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला तहु के हवाले से इनको मुराद रसूल कहा जाता है और इनके कबूल इस्लाम के बारे में जो इमरा ईमान अफरोज़ वाक़ है हमारे नाज़रीन को वो आगाह कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं शुक्रिया बहुत मेहरबानी हजरत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह को ये एजाज़ हासिल है साहबा क़राम सारे के सारे हमारा ईमान है ईमान का बायस है और अगर सहबा के ईमान और फजाइल पर ईमान ना हो तो ईमान ईमान ही नहीं है लेकिन सहबा क़राम में से कुछ एजाज ऐसे होते हैं जो उनको इम्तियाज़ा की हैसियत दे देते हैं हर एक की अलग अलग हैसियत है तो हज़रत हज़रतमर फारूक रज़ी अल्लाह तालों के बारे में ये आम बात है और बिल्कुल बरहक है कि बाक़ी सारे सहाबा मुरीद रसूल थे लेकिन हज़रतमर फरूक़ मुराद रसूल थे ब्यूटिफल लेकिन इसका मतलब ये नहीं beautiful, beautiful. कि आप मुरीद नहीं थे जी आप दूसरों की नस्बत इरादत में भी बहुत आगे दिखाई देते हैं और कई मामलत ऐसे हैं कि जहाँ आपको पता चला कि प्यारे रसूल सल सल की हदीस ये है या हुक्म ये है या मामूल ये था तो आपने अपने जाहो जलाल को नहीं देखा अपनी हैबत हिचमत को नहीं देखा रोब दब दबदबे और तंतने को नहीं फ़ौर रजू किया और अल्लाह के नबी के साथ अपनी वबस्तगी का इज़हार किया तो ये उनकी इरादत मंदी थी जी तो असल में ये था कि हज़रत हज़रतमर फ़ारूक रजी अल्लाह तनों के बारे में अदीस के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के, अल्ला के नबी दुआ किया करते थे तिरवजी के अंदर हजरत अब्दुल्ल इबिन उमर रजी अल्लाह तनुमां से एक रवायत है कि अल्लाह के, के नबी ने दुआ की कि ये जो दो आदमी है ना एक अबू जहल बिन हम और दूसरा उमर बिन खताब इन में से जो तुझे ज़्यादा पसंद पसंद है ज़्यादा महबूब चुनाच है अच्छा इसी तरह एक किताब है बिहारुल बिहार उसके, उसके उसके अंदर एक हिस्सा है उसको कहते हैं किताब उस समाय वाल आलम उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ते रवायत है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये दुआ किया करते थे अच्छा ये अल्फाज जो है ना दुआ के सोने नबी वसम यानी दुआ किया करते थे मांगते थे मांगते थे तो ये दुआ के अल्फाज जो है इन पर अगर गौर किया जाए तो इसमें भी हजरत उमर फ़ारूक़ रजी अल्लाह तनों की एक खासियत कि उम्र के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल चनाचे हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तु जो है वो ईमान लाए दुआओं का समरा है यानी आदिल उमर अजीम उमर उम्र उमर हबीब खुदा की दुआओं का समर उमर तो इनके ईमान के हवाले से कई वाक़ तो बयान किए जाते हैं एक वाक़ तो ये बयान किया जाता है कि अपना निकले घर से तो किसी आदमी को देखा कि वो इस्लाम का इजहार कर रहा है तो आपने उसे मारना शुरू कर दिया तो उसने कहा जी मैं कमज़ोर हूँ ना इसलिए मार रहे हो अपने घर की तरफ़ देखो तुम्हारा बहनोई और बहन जो है तो ये गु़स्से के हल में जब गए एक वाक्य ये बयान किया जा तो देखा कि आगे इनके अपना बहनोई हजरत सैद बिन जैद वो अशरम वशरम से भी है वो और आपकी बहन जो है वो तलावते तो, तो कहने लगे कि ये क्या पढ़ रहे हो तो ये वाक़ एक बयान किया जाता है लेकिन हमारे अक्सर अलावा कहते हैं ये वाक़ जो है ये सनदी तौर पर जयीफ़ ऐसे ही नहीं है तो इसके मुकाबले में एक वाक़ है जो सही बुखारी के अंदर भी है कि खुद हजरत उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तहते हैं कि किसी ने कहा कि जी इस तरह ऐलान हुआ है ये हुआ है तो मैं एक दफ़ा सोया हुआ था मुशरक़ीन के महबूतों के पास तो ऐसे में एक शख़्स जो है ना वो लाया एक गाय उसको ज़बा किया तो ऐसे में ए, जो है ना एक चीख़ सुनाई दी और ऐसी चीख़ मैंने कभी पहले नहीं सुनी तो फिर उसी आवाज़ और उसी लहजे के अंदर उसी शिद्दत आवाज़ के साथ उसने ये कहा कि या फली अमर नजी फ़सी यकूल के एक चुस्त चालाक एक कामयाब कर देने वाला मामला हो गया है कि एक फ़सी आदमी जो है उसने कहा है कि ला अच्छा तो कहते हैं कि अपना मैंने कहा कि मैं इसका पता कर तो उसके बाद जो है ना पता चला कि रसूल अक्रम सल वम जो है ना रसूल बना दिए गए हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि ये जो बुखारी शरीफ की रवायत है ये असल में वजह बनी है तो वजह तो कोई भी बन सकती है यानी टर्निंग पॉइंट होता है ना मुमकिन है ये ही टर्निंग पॉइंट बल्कि बुखारी शरीफ की रवायत है तो ये ही टर्निंग पॉइंट होगा लेकिन जो दूसरी तरफ है बुखारी ही में एक वाक्य भी है वो है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह को जब पता चला कि उनके बहनोई और बहन जो हैं वो मुसलमान हो चुके हैं तो बहन को तो उन्होंने कहा लेकिन बहनोई को उन्होंने रस्ों के साथ बांध दिया तो कुछ भी वाक्य है लेकिन हम ये समझते हैं के प्यारे रसूल सल वसलम की दुआओं का समर, समर है कि आप ईमान लाए हैं और दूसरी बात जो है ना अब समझने की है मसला मुला हैदर अली आमली की एक किताब है गजवात हैदरी उसके बकायदों में उन्होंने बड़ी फसात तो बलागत के साथ जो है ये इसका वाक़ का बयान किया है तो वो एक वाक़ बयान करते हैं कि हज़रत ममर फारूक जब दार अरकम पर पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया तो चूँकि हज़रतमर फारूक जो हैं को अपना इस्लाम की ये मुखालफत के अंदर बड़े शजात थे और आगे आगे बढ़ के थे तो दरवाज़ा खोला तो पता चला तो अपना जो है ना उन्होंने कहा उम्र आए हैं उम्र आए जी तो अल्लाह के नबी ने कहा उम्र आए नहीं उम्र लाए गए हैं अल्लाह व ये अल्फाज हैं और अच्छा। वाक़ता हम समझते हैं कि दाओं का असर है जिस तरह तिरमजी के अंदर वैर और वैसे भी हमारा ये यकीन है और यकीन क्या है ये कुरानी हुक्म है अल्लाह रब ने फ़रमाया वसलाम अला इबादी अस्तफ़ा जी और हज़रत अब्दुल्लाबनबास रजील्ल्ला तुम जो फसल कुरान व कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में कहा गया है यानी वो लोग उन पर अल्लाह क्या सलाम हो जिनको अल्लाह ने चुन लिया अल्लाह यानी अल्लाह ने चुना है साहबा कराम को अब देखिए कुरश के लोग आपके रिश्तेदार हैं करीबी हैं अज़ीज़ हैं लेकिन सहाबी नहीं बन सके और दूसरी तरफ को रूम से चला साहबी बन गया कोई फारस से चला साहबी बन गया कोई यमन से चला साहबी बन तो जिनको अल्लाह ने चुना है तो यहाँ भी ये है कि उम्र आए नहीं उम्र लाए गए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सर बड़ी डिटेल में आपने यहाँ पर वजात फ़रमाई डॉक्टर साहब आप गुतगु सुन रहे हैं बड़ी देर से और मुस्कुरा भी रहे हैं अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे जितने फ़जाइल उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तहूँ के हवाले से यहाँ पर बयान हो रहे हैं सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो फ़जीलत है ये इतनी क्यों है फजीलत इस पर रोशनी डालिए बिसमरिम देखिए हज़रतमर रजीण के हवाले से कुछ फजीले थे तो हमने सुनी अब ये एक जुमला भी बहुत बड़ा जुमला है कि बाकी साहबा जो है वो आप के मुरीद हैं और वो रसोल की मुराद हैं बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है फिर आप की ये अदीस कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रतमर होते जी। फिर ये कि अल्लाह तक जो है वह उमर की ज़ुबान और दिल के ऊपर जारी कर दिया फिर ये कि आप फरमाया कि उम्र जिस रास्ते से गुजरते हैं तो शैतान जो है वो दाएँ बाएँ हो जाता है जी। उनके लिए रास्ता छोड़ जाता है या रास्ता बदल लेता है फिर ये कि आप ने फ़रमाया कि एक दफ़ा कि मुझे ख्वाब आया ये सही बुखारी की रवायत है और मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया गया मैंने वो सैर हो के पिया फिर उसमें से मैंने हजरत उमर को दे दिया तो साहबा ने पूछा रसोल् आप इसकी क्या तबीर करते हैं तो आप फरमाया इल्म यानी फरमायानी आप ने ये भी कहा कि मेरे बाद नबोत दी जाती तो वो उमर को दी जाती और ये भी कहा कि हक जो है उमर और के दिल और जुबान पे जारी हो गया ये सारी बातें आप आप देखें ना इसका ताल्लुक हक से है जी। और फिर वो ख्वाहिश का इजहार करते थे पुरानी मजीद की आयात नाजिल हो जाती थी और फिर शैतान जो है उनके करीब नहीं फटकता था तो मुझे ये बात समझ में आती है कि ये इतने बड़े फ़जाइल और ऐसे अमेजिंग किस्म के ये किसी और साहबी के हवाले से आपको नहीं मिलते इवन के अबू बकर बकरानों का दर्जा हरत उमर से बढ़कर है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जब फजाइल की बात आती है तो हमें लगता है कि ऐसे फजाइल रसूल सल्लम ने किसी और साहबी के हवाले से नहीं बयान फरमाए इसकी वजह क्या है मैंने इस हवाले से कुछ गौर फिक्र किया तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये थी कि वो जो रसूल सल्लम की दुनिया से रहलत के बाद एक बहुत बड़ा आप कह लें कि जी एक डिबेट पैदा हो गई डिस्कशन पैदा हो गई कि खलीफ़ा कौन होगा तो उस डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि सकीफ़ा बनी सायदा में जो अहम किरदार अदा किया वो हरत उमर जीलानों ने

तो ये हज़रत उमर हज़रतमर जनऊ की ज़ुबानी हुआ है और उनके हाथों से हुआ है और ये वो उमर हैं कि जिनके बारे में रसूल रसोल ने फरमाया कि इनके दिल पे और उनकी ज़ुबान पे अल्लाह ने हक़ हाँ को जारी कर दिया और ये वो वमर है कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनको ूम नब में से दिया गया और इनको देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है तो ये गोया कि बिल्कुल सही फ़ैसला था इन फज़ाइल की रोशनी में अगर आप देखें तो उस पर इंसान को एक बिल्कुल अंदर तक एक इतमीन की कैफियत हासिल हो जाती है तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली हरतुमर रीलानो के फज़ाइल और मनाकब में उस सियासी बहरान के हवाले से और हमने देखा कि साहबा ने फिर इस तरह से टूट के बैत की हजरतमर की, की बैत करने से कि बिल्कुल जैसे उनको इतमान नफ्स हो गया कि बिल्कुल ये सही बात है कि हरत अबू बकर जिलानो ही जो है वह आप के बाद अफजल तरीन है और ख़िलाफत के हकदार ठीक है ठीक है आ, आ, मैं आऊंगा राणा साहब की राणा साहब अगर आप इजाज़त दें जी, तो जी प्लीज सेकंड करते हुए जी, जी, को सेकंड करते हुए कुछ अर्ज करूँ देखिए हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह एक साहब बसीरत इंसान थे जी और उनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात थी कि जिनकी वजह से अल्लाह के नबी वम की ये ख्वाहिश थी जी और ये दुआएँ थी कि आप मुसलमान हों और उनकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिले हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तुम का एक वाकया तो वो है ना जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है अल्लाह के नबी फरमाया कि हर उम्मत के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिन पर अल्लाह इल्हाम करता है मुहद्दस का लफज़ है जी। मुहद्दस तो वो होता है ना जो हदीस बयान करता है मुहदस का लफज इस्तेमाल किया मिलह के कि जो जिन पर अल्लाहाम करता है तो हल... कहा कि मेरी उम्मत का जो है ना मुहदस वो उम्र है ये रसुल पाक ने इरशाद फरमाया अच्छा दूसरी बात यह है कि खुद आप देखें कुरान पाक के हवाले से कि कितने ऐसे मुकाम हैं हज़रत उम्मुल मोमिन जैनब तआला का एक कौल है फरमाती हैं कि हम हैरान थे कि क़ुरान उतरता हमारे घर में है लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक अच्छा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजील्ला से रवायत है कि इन वादा अल हक़ का लिसान उमर वक़लब ही हज़रत अबू ज़र से रवायत है इन वजह का अला यकूलो बी अच्छा हज़रत अली रज़ी का एक कौल है इन ला जालना लिसान बल्कि बलागा की शरह़ है अबील हदीद की उसकी जिल्द पाँच सफ़ा दो सौ इक्यावन पर है इन लिसान उमर यंत कबिलहक जी और जाल कशी के सफ़ा बीस के ऊपर है अन तलफ़ारूक अलजीतुल माला को अला लिसान कि फरिश्ता तेरी ज़ुबान पर कलाम करता है Allah. Allah. एक कुरान पाक के हवाले से आप देखें कि ये जो है कि मुकामी इब्राहिम को मसल्ह बनाया जाए ये मशूरा था हजरत उमर फारूक का अल्लाह ने कुरान पाक की याद बना कर नाज़ कर दी शराब की हरमत के हवाले से हजरत उमर फारूक का मशूर था इस तरह पर्दे के हवाले से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताली था अज़ान के हवाले थे हजरत उमर फारूक रजीय इस तरह के सत्रह अठारह मकामा बताए गए अच्छा इसी तरह मुनाफिकीन के जनाजे के ना पढ़ने के हवाले से हज़रत उमर फारूक का मिश्र अब्दुल्लाई के ऊपर और बायदा आयात नाज हुई कई मकाम हैं मुफसरीन ने अठारह बयान किए हैं अमामा सती ने उससे भी ज़्यादा बयान किए हैं तो हज़रत उम्र फ़ारूक रजी अल्लाह तुन को अल्लाह रब्जन ने बसीरत से बहुत ज़्यादा हिस्सा अता किया और जिस हदीस की तरफ इशारा किया है डॉक्टर साहब ने कि आप जो है दूध का प्याला और कहा कि अपना जो बचा मैंने और उससे मुराद इलम है तो सिर्फ हजरत बकरीक की इमारत ही नहीं हजरत अबकर सदीक की पूरी इमारत ने यानी इमारत अब हज़रत अबू बकरीक रजी अल्लाह तु की जो खिलाफत और इमारत है उसके हवाले से तो ये है कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बाज़ सराहते भी थी बाज कनाए भी थे इशारे भी थे और उस मौके पे इसकी फाइ बनुसादा के मौके पर जिसकी तरफ इशारा किया है डाक्टर साहब ने ये एक मुकाम लेकिन हजरत बकरीक की पूरी जो दौरे खिलाफत है उसके अंदर बारह ऐसे मौके आते हैं कि जब उम्र और फिर खुद हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तुका जो दौर में है वो तो एक मिसाल बन गया ना अब देखिए माइकल हार्ड ने जी जो तारीख़ इंसानी की सौ अजीम शख्सियात को जमा किए डी हंड्रेड के अंदर तो उसने देखा है उसने अदवार के लिहाज से लोगों को मंतख किया फिर बरआज़मों के हवाले से किया फिर अलूम के हवाले से किया तो एक गैर मुसलिम होने के बावजूद पहले नंबर पर तो रसूल पा को रखा लेकिन उन सौ के अंदर हज़रतम्र फरूफ भी शामिल है जी उनको भी हमने शामिल किया और आज यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ वेलफेयर के जितने असूल और कवानी हैं उनको उमर लाज कहा जाता है यस उस उस नाम से मंसूब है अब देखिए निजाम साहब लोग मुवजना करते हैं बड़े हुक्मरानों के हवाले से कोई कहता है कि ये अलेक्जेंडर सिकंदर आजम है कोई कहता है सैरस द ग्रीट सैरस आजम जो है वह है लेकिन अगर मुवाना करें उम्र फारूक के साथ रल वसलम की हस्ती तो बहुत बुलंद है सिर्फ हज़रत उम्र फारूक के साथ मुवजना करें तो कोई मुना नहीं बनता ये तारीख का एक नाम बनकर रह गए हैं सुंदर हो या सैरस हो जी समझ लेकिन उम्र फारूक वह हैं जिनकी खिलाफत के असरात आज भी मौजूद हैं हाँ। है। सर इससे पहले गुफ्तगु मजीद आगे चलीजिए मैं आपसे एक रहनुमाई चाहूँगा मैं कहीं पढ़ रहा था आप इसकी तस्वीर फरमाइएगा कि फ़ाइाइल के, के हवाले से जैसे अभी मैं और डॉक्टर साहब भी और आप भी जिक्र कर रहे हैं हज़रत सैदनामर फारूक रज़ील्ल्ला तुम के हवाले से तो एक वाक़ किसी किताब में मैंने पढ़ा कि जिसमें में नबी करीम अलैहि वसम अपने किसी साहबी से ये फरमा रहे हैं कि जबरील अमीन से अगर उन्होंने पूछा कि हज़रत उमर ताला के जो फज़ाइल हैं तो उन्होंने बाकायदा जबरील अमीन ने बताया कि इतने सौ बरस तक भी अगर उनके फिल ये ये रवायत हमें तक सही होगी फजाइल में है। और ज्यादा बहुत ज़्यादा रवायात मौजूद इनमें से इशारा किया है बाज की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया है और कुछ मैंने भी है ना अब शैतान के हवाले से मुख्तलिफ मौक़े पर अल्लाह के नबी ने ये नहीं कि एक मौके पर मुख्तफ मौ पर शैतान के अपना भागने और खौफजदा होने के हवाले से है मसला एक मौके पर कहा कि उम्र फारूक से भाग रहा है और एक मौके पर तो अल्लाह के नबी ने कसम खा कर कहा अब अल्लाह के नबी तो वैसे ही कह अल्लाह यस, लेकिन कसम खा कर कहा कि अब खत्ताब वल्ल नफसी बदही ए इब्न खत्ताब मुझे उस की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर शैतान चल रहा हो ना किसी रास्ते पर और तू सामने आ जाए तो शैतान कन्नी कतरा के भागेगा भागेगा शैतान तुझे किसी ऐसे किसी रास्ते पर नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो वो तेरे रास्ते पर नहीं होगी जिस रास्ते पर तू चल रहा है वहां से कतरा के किसी और रास्ते की तरफ भाग जाएगा ठीक ठीक डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे मुस्कुरा भी रहे हैं कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब पहले तो वो ऐड कीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं फिर मैं आगे मजीद आपसे कुछ पूछने वाला हूँ नहीं नहीं आप आप जारी अच्छा अच्छा ठीक है मुझे वो डॉ पता नहीं नासब साहब जो मेरे प्रोड्यूसर है क्या कह रहे हैं आपके बारे में यही कह रहे हैं कि आप तबीयत मुस्कुराते रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे सर अच्छा सर ये जो मामला है जिसरा हम आ, अभी आज के हुक्मरानों का जिक्र करते हैं मुसलमान हुक्मरान जो हैं उनका जिक्र करते हैं तो आ, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला तहों के हवाले से जिस उनकी तर्ज हुक्मरानी है आज सीखने की क्या जरूरत है इन मुसलमान हुक्मरानों को इस पर रोशनी डालिए जी देखें हज़रतमर रजी लानों की जो खिलाफत है एक लिहाज से बहुत आप कह लें कि एक आइडियल स्टेट थी आ, रसुल के ज़माने में फिर उसके बाद हज़रत बकर रजी लानों के ज़माने में फैलाव हो रहा था फतवाहत हो रही थी हजरत उमर रजी लानो के ज़माने में ईरान भी मुकम्मल तौर पर फतह हो गया रो, रोमन अम्पायर भी जो थी वो भी मुसलमानों के हाथ में आ गई तो एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर उन्होंने जो है वो रियासत को खड़ा किया अच्छा उसमें बहुत सी भी वो लेके आए अब उसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई हो सकती है उसमें ख़ास तौर पर जब हम उनके बायोग्राफी का मताल करते हैं जैसे हज़रतमर रजी का मामला ये था कि जब वो किसी इलाके का गवर्नर बनाते थे तो किसी को तो एक तो उसकी पब्लिकली उसकी आप कह लें कि सेरेमनी होती थी मदीना के अंदर जिसमें किबार साहबा महाजरीन और अंसार में से मौजूद होते थे और उस सेरमनी में वो बताते थे कि भाई इसकी ये ड्यूटीज़ हैं और इसके जो है वो ये पावर्स हैं ये इख्तियारात हैं हमारे यहाँ भी आप यूँ कह लें कि एक हलफ की तकरीब होती है हद तक तो हमारे यहाँ भी इस चीज़ को लाया गया लेकिन उसके बाद एक चीज़ जिसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था हरतम रेलानों ने जो सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी कि अपने उमाल को गवर्नर्स को उन्होंने बाकायदा रिटन तौर पर यह हिदायत जारी की थी कि जिसको हम गवर्नर बनाएंगे उससे बायदा वादा लिया जाता था कमिटमेंट ली जाती थी आप यूँ कह लें कि हल्फ में ये बात शामिल होती थी कि वो तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होगा आजकल की जुबान में आप कहें कि मर्सिडीज बी एम डब्ल्यू प्राडो वगैरह लग्जूरियस गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा जी। फिर यह है कि बारीक कपड़ा नहीं पहने का मतलब वो कीमती कपड़ा होता था ना ख़ास तौर पे जो रेशमी कपड़ा था जिससे पता चलता था कि ये अब आसाइश में है फिर यह कि छना हुआ आटा नहीं खाएगा जी। और ये था कि अपने दरवाजे पे दरबान यानी गार्ड नहीं खड़ा करेगा और अपना दरवाज़ा जो है वो ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खुला रखेगा मतलब ऐसा नहीं आपने सेक्रेटरी साहब से मिलना है चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है दस बारशें डलवा के टाइम लेके ऐसा नहीं था मतलब यह है कि ओपन होगा और यहाँ इस हद तक मामला था कि हरत अयाज बिन गनम जो कि मिस्र के गवर्नर थे उनके बारे में उमर रजी को ख़बर मिली कि भाई उन्होंने दरबान खड़ा कर दिया गार्ड दरवाज़े पे तो उन्होंने हरत मोहम्मद बिन मुसलमान सारी जो साहबी थे बूढ़े साहबी थे उमर ने उनको भेजा कि आप जाके ज़रा मालूम करके आए तो गोया के इंटेलिजेंस का भी एक पूरा डिपार्टमेंट था उमर रजी ने उसको खड़ा किया हुआ था तो वो आए हैं और हरत उमर ने कहा था कि अगर देखो दरबान खड़ा हुआ तो साथ ही लेते आना गवर्नर साहब को तो वो फिर आ, साहबी जो है वो अंसारी साहबी हरत याद में नानम को साथ ही लेके आ गया क्योंकि वो दरबान तो खड़ा था बाहर जी। तो जी रजी ने कहा कि भाई ये बकरियों का गला है रेबड़ है तो अब आज से आपका ये काम है कि आपने जंगल में ये बकरियाँ चरानी हैं तो इस पर उन्होंने कहा भाई इससे तो बेहतर था कि मैं मर जाता तो हरतम रजिया ने कहा कि आपके वालिद का नाम गनम था तो वो भी बकरियाँ चराते थे बाहर इसमें आर महसूस ना करें तो ये गोया कि वो स्ट्रिक्टली जो है ना वो फॉलो करते थे जो वो इंस्ट्रक्शन देते थे और उसके हवाले से फिर वो फीडबैक भी लेते थे ऐसा नहीं था कि जी आप लोगों ने बस आप कहते हैं जी बरकत के लिए हलफनामा पढ़ लिया है या कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है कि जी साद और अमीन होना चाहिए तो अब हमने इसका ध्यान नहीं करना क्यों सीख डॉक्टर साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि फीडबैक लेते थे और उसके बाद जो ज़रूरी इकदाम करने वाले होते थे उस पर अमल भी किया जाता था अच्छा वो वाक़ सर आपको डेफ़िनेटली याद होगा जो जहाँ पर यहाँ पर मैं चाहूँगा रिवाइव करें और सीखें इससे कि जुम्मे के मौके पर जब वहाँ पर एक शख्स ने पूछा कि आपने जो चादर पहन रखी है आपका चूँकि कद दराज था आपको वो कंप्लीट पूरा नहीं आ सकता एक चादर में तो आप ये बताइए कि दो चादरों से आपने जो लिबास बनाया ये कैसे बना लिया ये कहाँ से आया तो फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ़ इशारा किया और बेटे ने जवाब दिया मैंने अपनी चादर दी तो इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जो हुक्मरान हैं उनके जो असासे जो उनकी आमदन से ज़ायद हों वो पूछने का हक रखती है आवाम जी जी ये बल्कि मिलता है हमें हरत उमर जी लानो की बायोग्राफी के जब हम मुताला करते हैं तो बहुत सी किताबों में आपको ये तस्करा मिलेगा कि जब वो किसी को सरकारी उदा देते थे जी. हरत उमर जय तो उसके एसिड्स की एक लिस्ट बनवा लेते थे जी. कि ये इसके पास है फिर दौरान उहदा मतलब दो चार साल की गवर्नरशिप है मिसाल के तौर पे उसके एसेट्स में अगर कोई इजाफा होता था तो उसकी उसको बुलवाया जाता था और उसे कहा जाता था भाई जस्टिफाई करो अगर तो वो जस्टिफाई कर लेता कि जी मैंने बिजनेस किया कारोबार किया मुझे विरासत में मिल गया ये वो तो ठीक है उसको जाने दिया जाता वरना उसका माल बैतुलमाल में यानी स्टेट बैंक में जमा करवा दिया जाता था और ऐसे वाक़ मौजूद हैं कि कुछ लोग जस्टिफाई नहीं कर सके तो हरतुल मजी ने उनका माल बैतुलमाल में जमा करवा दिया ठीक है तो ये था ठीक है रान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा जैसे अभी रिफ़ॉर्म्स की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब तो आपको यकीन पता है कि शीर ख़ार बच्चों के वजायफ़ कायम किए उन्होंने अपने दौर में तालीम का निज़ाम नहरी नज़ाम पुलिस का निज़ाम जेल खाना ज्यादात का निज़ाम ये सारे मुतारफ़ करवाए उन्होंने इस पर रोशनी डाली मैं अपनी पहली गुफ्तु में इसी की तरफ आ रहा था जब जिल मैंने अलेक्जेंडर और चार्स के साथ कर उन लोगों ने जो फतू कें वो बड़े घरों में पैदा हुए थे उनके पास बाकायदा अफवाज थी और फिर जहाँ जहाँ से गुजरते गए बस फते ही करते चले गए इस काम कोई नहीं लाए हज़रत उम्र फरूक जिस इलाके से पैदा हुए हैं जिस अंदाज़ से उन्होंने हुक्मरानी की है वो आज भी उसके असरात मौजूद हैं जब भी आज कोई शख्स डाक अब बेचता होगा ना डाक आने जाता होगा उम्र फरूक याद आते होंगे पुलिस आदमी को देखता होगा पुलिस की वर्दी पहनता होगा उसको यानी कई ऐसे मामलात हैं अब आपने जो बच्चों के हवाले से कहा है मैंने पहले यह कहा है ना कि इसी हवाले से यूरोप के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं वेलफेयर के बच्चों के वजीफे वगैरह इसका इसको उमर लाज कहते हैं वो लोग सर मैं आई विटनेस इस चीज़ का जिसको नहीं अभी नहीं। अभी तक वो लोग अमल पर अभी तक जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का गैर मुसलमों के हाँ क्या कद काठ है कि लेडी डायना जो है उसने डोडी अलफे से एक ही तोहफा मांगा था कहकर और वो था हैकल की किताब जो उमर फारूक रजी अल्लाह तुम पर लिखी गई है और यही वजह ना कोई आखिर वजह है ना शेर मुसलियों को ये कहना पड़ा था कि अगर इस्लाम की तारीख में कोई दूसरा उम्र भी होता तो आज दुनिया के अंदर सवाय इस्लाम के कोई और दीन ना होता सर बाईस लाख बुरा अब हजरत उम्र फारूक रजील्ला तु के बारे में ये कहा गया है कि वो अपने जब उमाल को गवर्नरों को या हुकाम को मतिन करते थे तो उनके बाकायदा जो है सा लिख लिया करते थे कि उनके पास अब क्या है बाद में क्या है बाकायदा इसी तरह वो बकायदा ये कहते थे कि रिपोर्टों पर इनार ना करना बल्कि खुद लोगों का जाकर पता करना लोगों के अंदर जाकर पता करना और यही वजह है कि हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तयदा गश्त किया करते थे लोगों के हालात को जानने के लिए और जब कहत पड़ा है तो उस मौके पर आपके दौर के अंदर एक बार ना कहत भी फाट किया था तो आपने क्या किया, किया कि अपना खाना काम करके कहा कि मैं उतना ही खाऊंगा जितना एक कहत ज्यादा आदमी खाता है अल्लाह तो लोगों ने यह कहा कि अगर आप करेंगे आप काम कर रहे हैं इतना खिलाफत का आप कमज़ोर हो जाएंगे तो उस पर असर पड़ेगा तो उन्होंने जो अल्फाज कहे थे वो जर्री हैं यानी सुनहरी पानी से जे लेके जे। जाने के काबिल कि उन्होंने कहा था कि बेसल वाली अना इन शबे तो व सुझिया कि मुझसे बुरा फिर हुक्मरान और कौन होगा कि मैं तो पेट भर के खाऊं और लोग भूख से रहें अच्छा इसी तरह एक जो लफ्ज़ बोला जाता है ना हमारे यहाँ आम है मुहावरा कैसे तुम्हारे फिर उन्होंने कहा जी अगर अफराद के किनारे पर कुत्ता भी भूख से मर जाए तो मेरे का भी जवाब दे है लफ्ज़ कुत्ते का नहीं वहाँ जो है ना तबकासाद और मुसनफ़ी शैबा में वो हैं जदयन बकरी का एक बच्चा जी यानी बाहर जानवर ही है ना जी कि जानवरों के मरने पर जो है ना वो एहसास है ये एहसास ज़िम्मेदारी है कि वो समझते हैं और चुनाचे ये वाकयात, कई वाक़ते हैं गश्त के दौरान के ये अपना वाक़ आपने सुना हुआ है कि एक अपना लड़की की और माँ की आपस में बैच चल रही थी दूध में पानी डालने की पारा नहीं होता जी जी, तो बच्ची मना कर रही थी तो आपने सुबह भेजा तो अपने बेटे के साथ उसकी शादी की और उसी बच्ची के जो है ना आगे नस्ल से फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए ये तो वाक लेकिन एक और वाक्य है कि आप आए हैं तो आपने देखा कि एक जगह पर बच्चे रो रहे हैं और माँ जो है ना उसने हंडियाँ रखी तो आप देखते रहे कितना अरसा तो उसने ना बच्चों को किसी तरीके से सलाह दिया तो जब करीब गए तो इंडिया में कुछ भी नहीं था भी नहीं। ये वाकई सुना उन्होंने तो हजरत उम्र फरूख रजील तुम तुम क्या कर रही हो क्यों इस तरह की है तो तूने उम्र को क्यों नहीं बताया तो उसने कहा कि मेरे और उम्र के दरमियान अल्लाह तो आप रोने लग गए उसी वक्त गए हैं साथ खादिम था उसका नाम असलम था तो उसको कहने लगे असलम ये जो है ना पूरा अपना बोरी कह लें या बोरा कह लें मेरे कंधों पे अपना रखो वो कहने लगा कि मैं उठा के ले कहने लगा नहीं वाले दिन तू मेरा बोझ उठाएगा अल्ला और अल्ला अल्ला ना सिर्फ लेकर गए बल्कि खुद खाना पकाना शुरू किया और अल्फाज हैं नहाया के तखल या अद या कि आपकी दाढ़ी में से धुआं निकल रहा था फूंके मार रहे थे आपको जलाने के लिए यह वाक्य भी है इसी तरह गश्त के दौरान का एक और वाक्य भी है कि एक औरत को जचगी का मामला हो गया बच्चे के जन्म का वक्त हो रहा है वो तकलीफ में तो गए हैं तो आदमी बैठा हुआ तो पूछा भाई ये ख़ातून के रोने की वजह कहने लगे जी जचगी का मामला है मैं परदेसी हूँ मेरा कोई है नहीं तो आप उसी वक्त घर में गए अल्फाज हैं आदा उमर हो यू हर विलो इला बहते ही वकाल ले इम रते ही उमसम बिनते अली अब अबी ताद यानी हजरत अली की जो बेटी थी ना उम कल्सम हजरत उमर फारूक की जोजा मोहतरमा थी तो उनसे आकर कहने लगे कि एक नेकी का काम है जो अल्लाह ने तेरी तरह भेजा है क्या तू वो करेगी एक ख़ानदान बेहतरीन खानदान थी मोगना थी उसी वक़्त साथ गई तो जाकर उन्होंने जब जचगी के मामले में तावन किया तो उसको नहीं पता था ये कौन है तो उस हजरत उम्म कलसूम रजी अल्लाह तह ने अंदर से आवाज़ दी या अमीर अलमोमिन बशर साहिबा का बेगुलाम के अपने दोस्त को बेटे की पैदाश की खुशखबरी सुनाई तब उसे पता चला तो गया अल्लाह तो ये मामला था हजरत उम्र फरूक रजी तड़ा हुक्मरान साढ़े बाईस लाख मुद का और रात को कैसे जहाँ नींद आती वहीं सो जाते थे अक्सर ये होता कि कभी हमें कुछ दर्ख मिल जाता तो उसमें कोई कपड़ा तान के नीचे ज़मीन पर सो जाता है अक्सर ज़मीन पर सो जाते थे और ये भी मामला हुआ कि कभी सर के नीचे पत्थर रखा है और सो रहे हैं अल्लाह फटब्रो अल्लाह फटब्र डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा गुफ्तू आप सुन रहे हैं जिस तरह हज़रतमर फारूक रजी अल्लाह तुओ के हवाले से उनके जो सीरत के हवाले से किरदार हवाले से जब वो हुक्मरान थे तो उनके हुक्मरानी का तर्ज सर एक चीज़ ये नज़र आती है कि वो खबरगिरी रखते थे अपने लोगों की और अगर कोई मेहमान या अगर कोई वहाँ से गुजरने वाला भी है खबर गिरी रखते थे तो ये तो बड़ी एक ऐसी अहम बात है कि किसी भी हुक्मरान पे क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं ये जहन में रखना जरूरी है दूसरी तरफ आपको वो वाक़ भी याद होगा कि चरवाहा जब उनकी शहादत हो गई तो आया और आके उसने कहा कि यकीन क्या हज़रत हज़रतुम्र फ़ारूक इस दुनिया में अब नहीं रहे और जब उससे पूछा गया तुम इतनी दूर की मुसाफत करके आए हो तुम्हें कैसे पता कि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उसने कहा कि जब वो ज़िंदा थे इस दुनिया में थे हयात थे तो मैं बिला खौफ और मेरे जानवर बिला खौफ चरा करते थे आज ऐसा मामला हुआ कि उनकी भेड़ का एक बच्चा जो है वो भेड़िया ले गया है तो ये समझ लग गई कि अब उम्र इस दुनिया में नहीं रहे तो यहाँ तक मामला आता है सर इस पर रोशनी डालिए जी हजरत उमर रजी लानू की जो रिफ़ॉर्म्स थी ना वो आ, जैसा कि बात सामने आ रही है वो हम जेहद थी जी, अभी बात आई कि पुलिस का महकमा उन्होंने कायम किया जी, और हजरत अब रजी उसके निगरान थे और ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट था इसका काम ये भी था कि दुकानदार जो है वो माप तोल में कमी तो नहीं कर रहे ये चेक करते थे फिर यह है कि कोई शख्स सड़क पे मकान तो नहीं बना रहा यानी स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको तो नहीं आती आ रहा फिर यह है कि यही पुलिस का महकमा ये भी चेक करता था ये आपको मतलब हवाले मिलेंगे तारीख की किताबों में कि जानवरों पे किसी ने ज़रूरत से ज्यादा बोझ तो नहीं ला लादा हुआ वही एनिमल राइट्स की बात फिर ये कि कोई ड्रग्स की मनशियात की जो है वो कोई लेन देन कोई तजारत तो नहीं हो रही ख़ास तौर पर शराब की तजारत तो वो पुलिस का महकमा देखता था फिर ये कि जेलें वगैरह बनवाईं मुजरमों के लिए मक्रमा हरत सफरान बिनुमैया का घर खरीद के उसे जेल का दर्जा दिया तो ये आप कह लें कि जी जेल का एक जो कॉन्सेप्ट था वो हरतु उमर रजी लानों ने मुतारिफ़ करवाया तो उनकी जो रिफ़ॉर्म्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी थी और इकनॉमिक जो रिफ़ॉर्म्स हैं ख़ास तौर पर मतलब बहुत काबिल जिक्र हैंरतर रजी लानों की एक बहुत बड़ी जो कंट्रब्यूशन है वो आ, मतलब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो फीडल आर्ट सिस्टम जो था जहागी तराना निज़ाम यानी रोमन जो थे ना पहले ये इजिप्ट के ऊपर सीरिया पे इनका कब्जा था तो ये क्या करते थे जब इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने वो जागीरें बड़ी बड़ी जो है वो अपने सोल्जर्स के नाम जो भी उनके फौजी अफसरान होते थे उनके नाम लगा दी फिर दूसरा जो स्टेट का एक बड़ा पिलर था चर्च चर्च के नाम बड़ी बड़ी जागीरें लगा दी पादरियों को भी उन्होंने खुश करना था तीसरा जो बादशाह के दरबारी अराकिन होते थे वो ज़रा और मुशीरान होते थे उनके नाम बड़ी बड़ी जागीरें लगा दी हरतुमर रजी ने जब फतहत हुई है ये इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो ये सारी जागीरें वापस लीं फौजी अफसरान से भी और चर्चेस से भी और इसी तरह से वो ज़रा और मशीरों से भी और ग़रीब काश्तकारों में वो तकसीम किए हैं कि वो खेती बाड़ी वगैरह करें तो इस तरह से जागीरदाराना निज़ाम का ख़त्म किया बल्कि हरतुमर की बसीरत देखें उन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी कि कोई फौजी अफसर जो मेरे लश्कर में है वो ज़री ज़मीन ख़रीद भी नहीं सकता हालांकि अपने पैसों की खरीदने में कोई इशू नहीं था लेकिन उन्हें था कि इससे जो है ना वो अपने पावर को क्या करेगा मिस यूज़ करेगा अगर हम उसको ये अलाउ करेंगे तो उन्होंने मसलहत के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ लगाई थी फिर ये जो आपाशी के निज़ाम का बात आई तो मिस्र के अंदर तकरीबन एक साल में एक लाख बीस हज़ार मजदूर सालाना सिर्फ इस काम पर लगाए गए कि उन्होंने ये नहरें खोदनियाँ और सैकड़ों नहरें जो है वो खुदवाई गई ताकि जो है वो जरात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए इवन कि जो टैक्सेशन का निज़ाम था खैर आप तो हमारे यहाँ मतलब वो एक 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 किस्म का एक्सप्लाइटेशन भी उसमें है अरे हैरतुमर रजी के ज़माने में या दौरे खिलाफत में जो टैक्सेशन होती थी जिसे खराज कहते थे वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था और इराक का जो खराज आता था उमर रजी के ज़माने में वो तकरीबन 10 करोड़ 20 लाख धरम था धरम जो है वो सिल्वर का आप कह लें कि काइन था सिक्का था आज को आजकल हम उसको कन्वर्ट करें आज जो चांदी का रेट है उसके हिसाब से तो ये एक साल का इराक का जो खराज था या टैक्स था नान मुस्लिम से जो लिया जाता था वो सैंतालीस अरब और सैतीस करोड़ था और जो मिस्र से आता था एक साल में एक करोड़ बीस लाख दीनार था जो आजकल के हिसाब से पांच खरब छियासी अरब अस्सी करोड़ बनता है एक साल का मिस सिर्फ मिस्र का जो टैक्स था तो मतलब ये सब उन्होंने और इसके लिए पूरा उनका एक निजाम था यानी ये नहीं था कि ये इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थी ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम के बगैर थी बल्कि इसके नीचे पूरा एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे मतलब गवर्नर जिसको वाली कहा जाता था उसके नीचे जो है वो एक मीर मुंशी होता था मीर मुंशी यानी जिसे आप चीफ सेक्रेटरी कह सकते हैं फिर उसके अलावा उसके नीचे एक कातबी दीवान होता था जिसे आप हेड क्लर्क या हेड अकाउंटेंट कह सकते हैं फिर इसके अलावा एक साहिब खराज होता था कलेक्टर होता था साहिब बैतुलमाल होता था जिसे हम ट्रेजरर कहते हैं फिर इसी तरह से जो है वो वो मतलब अदालती निज़ाम के अंदर वो रिफॉर्म्स वगैरह गए इवन के सोशल रिफॉर्म्स को आप देखें किरतर जिला ने कहा कि भाई गलियाँ बनानी है ना तो साथ हाथ जो है वो गली चौड़ी होनी चाहिए सड़क बनानी है तो चालीस हाथ यानी चालीस फुट चौड़ी सड़क होनी चाहिए पहले घास फूस के जो है वो मकान बनते थे एक मरतबा आग लग गई तो उन्होंने कहा भाई मट्टी और गारे के मकान बनाए तो हर एतबार से उन्होंने जो है वो बेहतरी ले गया तबलीग का डिपार्टमेंट कायम किया कि नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाना है कन्विंस करके ऐसे नहीं धोस वगैरह से बाकायदा उसमें जो है वो तकर्रियाँ होती थी शुमारी करवाई नए सिक्के जारी किए ज़िमियों के हकूक मुकर किए लवारिस जो यतीम होते थे उनकी कफालत जो है जैसे आप, आप कह सकते हैं जदीद हमारी आजकल की जुबान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो था एक डिपार्टमेंट बाकायदा कायम किया फौजी छाउनियाँ बनाई इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बनाया और इवन के एजुकेशन के डिपार्टमेंट में रिफार्म लेके आए मकादब यानी स्कूल्स बनाए उन स्कूल्स में सिर्फ कुरान हदीस नहीं था कुरान हदीस तो था ही था अरब लिटरेचर पढ़ाया जाता था अरब उमसाल अरब शायरी पोइट्री वगैरह और फल्कियात ये चीज़ें जो है वो उसमें पढ़ाई जाती थी ठीक है साहब देखें कितनी डिटेल में गुफगू हो रही है अच्छा मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हमारे मुसलमानों की तरफ़ से आई हैं ये रिफ़ॉर्म्स हमारे मुसलमानों की तरफ़ से आए हैं सईद नाना उम्र फ़ारूक के हवाले से जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि ये ये रिफॉर्म्स उन्होंने दिए हैं जैसा अभी कुछ देर पहले हम मगरब की बात कर रहे थे वहाँ पर शीर ख़ार बच्चों को एक सर्टन एज तक वज़ाइफ दिए जाते हैं वो सर हम यहाँ पर क्यों पीछे रह गए हैं क्या वजह रही है हमने इसको अपनाया नहीं या हमने कुछ और इंटरेस्ट इसमें शामिल कर लिया मैं आपके जवाब की तरफ भी आऊँगा लेकिन एक थोड़ी सी जरा वजाहत करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ बताया कि हज़रतुमर फारूक रजी अल्लाह के दौर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई लामा सूती ने तमाम खुलाफा की जो अवलियात हैं उनको अलग से बयान किया दीगर लोगों ने भी किया हज़रतम्र फ़ारूक पर तो बहुत बड़ी किताबें लिखी गई और मुसलमानों के साथ साथ गैर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा लिखी तो उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा कि जो खराज लिया जाता था दूसरों से हम गैर मुसलमों से जो खराज आता उर्फ आम में जिसे जजिया कहा जाता है जी अब बाज़ लोग जो हैं वो मुस्तरक मुस्र की भी तो दो किस्में हैं वो मुतरक़ी जो इस्लाम पर बेजा इतराज़ात करते हैं अपनी जिद और इनाद की वजह से वो इसको बुनियाद बनाते हैं लेकिन ये असल में जजा था उनको उस चीज़ का जो उनको सहूलतें फ्राहम की जाती थी रियात इस्लामिया के अंदर या रियात इस्लामिया की वजह से उनको तहफ़ दिया जाता था उनके माल को तफ़ दिया जाता था उनके जान को तफ़ दिया जाता था फिर जहाद के अंदर शिरकत से उनको अलग रखने का वो सड़कें इस्तेमाल करते थे वो सहूलियात इस्तेमाल करते थे दूसरी तरफ मुसलमानों से भी ज़क़़त ली जाती थी लेकिन ज़क़ात क्योंकि मुसलमानों ही के साथ अलग रखती थी वो जिज़िया है जिसको जो ईरानी जो है गजिया कहते थे गजिया को जो है बाज कहते हैं जी उसको मर्रब किया गया लो है लेकिन बाज लोग कहते हैं कि जिजा से ये ज़िजिया निकला है लेकिन वो जो लेते थे, थे ना ख़ुद अपने लोगों से वो इससे कहीं ज़्यादा था इस्लाम ने और मुस्लिम रियासतों ने उसको कम करके लिया था सहूलतें देते थे मुसलमान जिक्त अदा करते थे उनसे अपना उनके और, हाँ, और दूसरी यही वजह है कि खुद अपना लोग जो है वो चाहते थे कि हम इस्लामी रियासत के अंदर शरीक हूँ जी इसलिए कि जज़िया लेकर उनको तफज दिया जो उनके मालो उसबाब का उनकी जानों का उनकी जायदादों का जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे हुकुमरान होते जब जरूरत पड़ती थी किसी के माल को गसब कर लेते अब देखिए हज़रत उमर फारूक रजी अल्ला पर जिस आदमी ने हमला किया वो आदमी भी उन्हीं लोगों में शुमार होता था जो गैर अरब थे या गैर मुसलमान में से लेकिन हज़रत उमर फारूक रजील्ला तुमने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद ये कहा कि जो है ना ख्याल रखना है गैर मुसलमों का बिलखसूस ज़िम्मियों का जिनका ज़िम्मा हमने लिया है जिमी का मतलब क्या होता है कि जिनका ज़िम्मा लिया है जिम्मेदारी ली जाए अच्छा तीसरी बात यह है कि हजरत उम्र फारूक ही का तो ये कौल है ना कि जब उन्होंने देखा था एक बूढ़े ज़िम्मी को मांगते हुए तो कहा था कि अपना जो है न अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि हम इनकी जवानी से फ़ायदा उठाते हैं और बुढ़ापे में इनको छोड़ देते हैं एक ज़िम्मी बुढ़े को देख कर आपने वेलफेयर का काम का का किया था रिलीफ़ दिया था उसको और वही चीज़ें जो है ना आ रही हैं अब आपका जो सवाल था वो ये था कि वो लोग आगे बढ़ गए जी और हम पीछे रह गए उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने हमारी तालीमात हमारे असलाफ हमारे बुज़ुर्ग हमारे दीन हमारे नबी अलैहि वसल्लम हमारे नबी के जो खलाफात है उनके अपना अंदाज़ को सामने रखा और उन्होंने जाना कि ये लोग वो हैं जो एक छोटे से इलाके से गैर गैरमरूफ़ इलाक़ों से उठे और दुनिया को फतह कर लिया और दुनिया को फतह नहीं किया लोगों के दिलों को फतह कर लिया तो अगर हम भी अपनी रियासतों को मजबूत करना चाहते हैं तो हम उन चीज़ों को अपनाएँ जबकि हमारी ये हालत है कि हमने अपनों को छोड़ दूसरों से मरूब होना शुरू कर उनकी वार। चमक से मरूब हो गए हैं उनके हम जो है ना बनावटी अंदाज को मरूब हमने बिल्कुल जो है ना छोड़ दिया है अल्लाह पे तवकल छोड़ दिया है रसूल अल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया है ख़िलाफ़ राशिदा के अंदाज़े हुक्मरानी को छोड़ दिया है एक दूसरे के एहसास कर एहसास को छोड़ दिया है हम बिल्कुल हमारे अंदर कोई एहसास नहीं रहा दूसरों का ठीक है सर ये फरमाएगा कि साहबा कराम की जो मोहब्बत थी आपस में हज़रतली रजाल्ला त होजरतब बकरक रजल्ला तैन हो हज़रतम्र फ़ारूक रजाल्ला तैयार हो इनकी मोहब्बत आपस में कैसी थी ये भी बयान कीजिए फिर मुझे क्लोजिंग की तरह हाँ ये बहुत ज़रूरी है जी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फी जमाना अब देखिए कि सारे के सारे सहाबा कराम जो हैं वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं जी और अल्लाह के नबी जो है साहबा कराम से मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी सल वसम ने ऐसी तालीम दी थी कि वो सारे के सारे आपस में जसद वाहिद की तरह थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मोहब्बत करने वाले अब हज़रतली रज़ी अल्लाह तूसरे सहाबाक कराम मसल सहाबा कर राम जी कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के दौर में ये कहा करते थे कि अब वक्र बेहतरीन हैं अफजल हैं फिर उमर हैं उस्मान यानी खुद का और हज़रतली रजील्ला के हवाले से सिर्फ़ एक वाक्य कोड करना चाहता हूँ मोहब्बत का आलम तो जो है वो बहुत ज़्यादा है मुसनफ़ इबन अबी शैबा में एक जो किताबल फ़जाइल है उसके अंदर है कि हज़रतली रजी ला तु एक चादर जो है वो अक्सर पहना करते थे ओढ़ा करते थे अब आप जानते हैं कि जो लिबास आदमी के दिल को भा जाए वो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पहनता है तो किसी ने पूछा कि आप ये ज़्यादा पहनते हैं अमीर मोमिन आप ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं इसकी वजह क्या है जी तो उनके अल्फाज हैं जी इन्नाहु कसानी है खलीली व सफ़ी ही व उमर ये चादर मुझे मेरे खलील ने और खलील उसको कहा जाता है जिसके लिए आदमी सब को छोड़ देता है मेरे खलील ने मेरे साथ इंतहाई मुखलस ने मेरे बेहतरीन दोस्त ने और मेरे ख़ास और ख़ास ने पहनाई थी वो उमर थे अल्लाह और हज़रत अली रजी अल्लाह तुम तो की हज़रत हज़रतर फारूक रजी अल्लाह तो मोहब्बत का ये आलम था कि हजरत अली ने हसनैन के बाद जो पहले बेटा पैदा हुआ उसका नाम मोहम्मद रखा प्यारे नबी के नाम पर जी दूसरे बेटे का नाम अब्बास रखा तीसरे का काबू बकर रखा फिर अली रखा और ये शहदाय करबला के नामों को अगर हम देखते हैं तो उसमें हज़रत अली रजील्ला तु के बेटे जो है उमर वो दिखाई देते हैं फिर हजरत हसन के बेटे का नाम उमर था फिर इमाम बाकर के बेटे का नाम उमर था इमाम आबिदीन के बेटे का नाम उमर था बिन अब्दुल्लाब तो ये मोहब्बतें महबतें थी।, थी और सारे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ठीक ठीक हजरत उमर फारूक रजी रजील्ला तुम के बहुत ज़्यादा फजाइल फज़ायल वो चंद अशआर हैं कि उमर जर्री उमर जुर्रत उमर जाबाज उमर कवी उमर कुव्वत उमर मुमताज़ उम्र रफ़ी व अजीम उम्र अरूज व फ़राज उमर बलंदम उम्र फलक परवाज़ उम्र हदीस शिजात उम्र हकायत शमशीर उम्र फसाना गजवात उम्र क़स्ा तो़ीर उम्र वक़ार क़्यादत उम्र शिकोह जहाद उम्र बुलंद अज़ायम उम्र फलक परवाज़ उम्र बशारत शौकत उम्र नवीद जफ़र उमर के पांव तले ताज किसरा कैसर उमर म्यान से निकली हुई नंगी तलवार उम्र सरापाये अशिद अल अलकुफ़ार उम्र काबिल उम्र मकबूल उमर कबूल उम्र दुआए पी अंबर उमर मुराद रसूल उम्र के नाम पर सदहा वलायतें कुर्बान उम्र की जात पर लाखों शहादतें कुर्बान अल्लाह फटब ब्यूटीफुल सर ब्यूटीफुल इसी नोट पे मैं आपसे बहुत थैंक यू करूँगा आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियोज़ में राना शफी ख़ान पसरूरी साहब सर बड़ा अच्छा लगा गुफ्तु करके आपके आने का शुक्रिया इनके साथ साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे डॉक्टर हाफिज़ जुबैर तैमी साहब डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया आ, मैं यही कहूँगा जाते जाते कि जब हम सीरत सैदना उम्र फारूक रज़ील्ला तू के हवाले से बात करना चाहें तो इतने से वक्त में ये सब अहाता करना मुमकिन नहीं हो सकता बहरहाल जितना कर पाए वो आपके सामने है आपसे मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा